मेरी एक घंटे की स्टे भी है लंदन। मैं 5 मिनट के नहीं पहुंचता शायद मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है। हाँ जी दोस्तों, साढ़े सारे का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यह मेरा पहला ब्लॉग रहेगा, वैसे वीडियोज़ बहुत पाई हुई हैं, तुम चैक कर सकते हो मेरे YouTube चैनल पर। अज का ब्लॉग है जिहड़ा जर्नी पर है, जो कि दिल्ली तो रजाइना तक है कनेडा दे विच। हाँ जी दोस्तों, चलो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखियो, क्योंकि इस दे विच काफ़ी मैं मुश्किल आई हैं मेरे एक घंटे के लेओवर के करके। प्लस मेरी कनैक्टिंग फ्लाइट से अगे टोरोंटो तो रजाइना तक, वो मेरे लगेजिज नहीं पहुँचे रजाइना, तो वो सारा कुछ थोनों मैं दसदा तुम किमें अपने आप को पहला ही प्रिपेयर कर सकते। पहला तुम जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचते हो, तुम फ्लाइट नंबर के अकॉर्डिंगली अपना एयरलाइन काउंटर देखना है कि कितना नंबर है। एयरलाइन काउंटर पर पहुँचने तो बाद अपनी बोर्डिंग करनी है। जिन्नी भी थोड़ी अगर कनैक्टिंग फ्लाइट्स हैं सब दे थोड़ा बोर्डिंग पास उत्थे मिल जाएंगे। आफ्टर दैट तुम जाना है तो अगे जाके अपनी इमीग्रेसन लाइन के लगना। इमीग्रेसन डन होने तो बाद होएगी सिक्योरिटी। थोड़े को लैपटॉप है प्लस वो वायरस वगैरह है, पावर बैंक है, चार्जिंग केबल्स ने, वो सारिया केबल्स वगैरह एक अलग तो सैपरेट पॉलीथीन के पा लियो, सो दैट थोड़ा सिक्योरिटी के टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो जस्ट पॉलीथीन बाहर क्ड के ट्रे के रखता, दैट्स इट। जो मेरा प्लेन लंदन लैंड किया तो मेरे 20 मिनट उत्थे वेस्ट हो चुके जस्ट एयरप्लेन तो बाहर आने के लिए, क्योंकि रश ही इन्ना सी। मेरी सीट थोड़ी जी एग्जिट गेट तो दूर सी। एग्जिट करने तो बाद जब मैं बाहर आया उत्थे एक लेडी खड़ी सी जो कि अनाउंस कर रही थी कि जिन्हें की कनैक्टिंग फ्लाइट है लंदन टू टोरोंटो, वो प्लीज़ उन्हां वल आ जाण। तां मैं उन्हां कोल गया तो उन्होंने मैं अगे डायरेक्शन देता कि तुसीं अगे जाओ तो अगे थोड़ी सिक्योरिटी चैक होएगी, तो अगे एक उन्होंने स्टाफ के मैंबर खड़े होणगे, वो थोनों अगे का पाथ समझा देणगे। अगे जाके उन्होंने स्टाफ मैंबर खड़े से, उन्होंने साड़ी हेल्प की, सिक्योरिटी रूम तक लेके गए सानू। सिक्योरिटी पूरा होने तो बाद उन्होंने सानू दस्या कि साड़ी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है, तो 5 से 10 मिनट ही बचे ने कि तुसी जल्दी जल्दी जाओ अपने गेट नंबर ते चैक इन करो। फिर मैं टोरोंटो लैंड किया तो इमीग्रेसन के रिलेटिड मेरे माइंड बहुत डाउट से कि मैं की पुछणगे, की डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं यह सब। बट मैनू उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट मेरे कॉलेज का नाम पूछा तो उन्होंने स्टैंप लगाई। मैं एक गल कहना चाहता जिन्हें कनैक्टिंग फ्लाइट होंगी है वो अपना कन्फर्म करना कि थोड़ा लगेज है जो वो ट्रांसफर हो चुके कि नहीं थोड़े नैक्सट फ्लाइट के बीच। अदरवाइज तुम की कर सकते हो, अगर थोड़े को टाइम है उस एयरपोर्ट से तुम अपना लगेज कलैक्ट करके उन्होंने रीसबमिट कर दो नैक्सट फ्लाइट के, सो दैट थोड़ा कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।